हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो इसका उत्तर होगा, फादर पद्मल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सबके घरों में उत्सवों संस्कारों पर एक पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है कि फादर पुल के भारतीय संस्कृति के कवि नाम हैं किस आधार पर कहा गया है? फादर कामिल बुल के भारतीय संस्कृति के अभिनंदन थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ आकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रमाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कृति में खो चुके थे। अगला प्रश्न है कि भारत में पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुलके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर होगा कि फादर कामिल बुलके के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रमाणिक हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध किया। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे यहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुलके की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो फादर कामिल बुलके एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई बूढ़ी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर रहती थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह सांत्वना सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। अगला प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला था, उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी थी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस सरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है कि फादर बुलके ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक अनई छवि प्रस्तुत की कैसे? तो इसका उत्तर होगा कि परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रायः अन्य धर्म अनुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुलके परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, तस्सब को गले लगाकर कहते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों को समूह संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं होने देते थे।
लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षण मानते थे। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है नम आंखों को गिरना स्याही फैलाना है, इसका क्या आशय है? इसका आशय होगा कि फादर कामिल गोलके की मृत्यु पर उनके प्रियजन परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में सही खर्च करना है। आशय ये है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला प्रश्न है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका उत्तर होगा हम फादर कामिल गोलके को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है, उनके ना रहने से मन में उदासी गिरने लगती है, ऐसा लगता है कि मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। तो ये थे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो सभी ने कर लेने हैं। एक क्वेश्चन और रचना और वृत्ति का, वो भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस पंक्ति में फादर गोलके की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति में फादर कामिल गोलके का स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त होता है। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। मैं भी अपनी जन्मभूमि भारत का पुत्र हूँ, ये धरती माँ के समान है, मुझे इसका सब कुछ प्रिय लगता है, मुझे यहाँ का अंचल धर्म संस्कृति सब प्रिय है, मैं इसके उत्थान में अपना जीवन लगाना चाहती हूँ। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे जन्मभूमि का अपमान हो। तो ये था आपका रचना और व्यक्ति का 9th प्रश्न, इसे भी आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।